नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में मिले 12,604 नए कोरोना मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या 94,000 के पार। बिहार में कोरोना से निपटने के लिए नीतीश का गो कोरोना गो मॉडल, तेजस्वी यादव से जानिए क्या है ये मॉडल। ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम, पटना के 14 निजी अस्पतालों में गैस खत्म, IMA ने कहा यही हाल रहा तो मौत का तांडव होगा। बिहार में लॉकडाउन के विकल्प पर नीतीश का मंथन, सभी जिलों के SP और DM से ले रहे हैं फीडबैक। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर कोरोना जांच केंद्र पर अभ्यर्थियों की उमड़ी भारी भीड़, कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। कोरोना काल में नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, वेतन भुगतान के लिए राशि जारी। पप्पू यादव ने बेटा स्थित एसिक हॉस्पिटल का लिया जायजा, अस्पताल की बदहाल स्थिति पर चिंता जताई। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के बाद भी कोरोना के नए मामलों में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। मंगलवार को बिहार सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में कुल 12,604 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,328 लोगों की कोरोना जांच की गई। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 1,837 न्यू पॉजिटिव केस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह में 12,604 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। राजधानी पटना समेत बिहार के 6 जिलों में 500 से अधिक पॉजिटिव केस मिले हैं। पटना में सर्वाधिक 1,837 नए मरीजों के अलावा गया जिले में 669, सारण जिले में 543, औरंगाबाद जिले में 622, बेगूसराय में 611 और पश्चिमी चंपारण में 639 नए मरीजों की पहचान की गई है। तो बिहार में कोरोना को भगाने के लिए नीतीश कुमार गो कोरोना गो मॉडल अपना रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा ही कहा है। तेजस्वी यादव ने आंकड़ों के सहारे बताया है कि कोरोना से निपटने का नीतीश मॉडल क्या है। दरअसल तेजस्वी यादव ने बिहार में हर रोज हो रहे कोरोना जांच के आंकड़े जारी किए हैं। उन्हीं आंकड़े के सहारे तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में कोरोना से निपटने का दिखावा हो रहा है। कोरोना की जांच ही जब नहीं हो रही है तो पता कैसे चलेगा कि बिहार में कोरोना के हालात क्या है। तेजस्वी ने ट्विटर पर लिखा है कि नीतीश जी का गो कोरोना गो मॉडल देखिए, कोरोना के नए कैशलोड को कम करने के लिए प्रतिदिन जाँच घटा दिया गया है। न होगी जाँच न निकलेगा कोरोना। कम जांच के बावजूद पॉजिटिविटी रेट 14.6% है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए लोगों की जान से खेल रहे हैं। कोरोना के खिलाफ टेस्टिंग सबसे कारगर हथियार है। तेजस्वी यादव ने पिछले 7 दिनों में बिहार में हुए कोरोना जांच का आंकड़ा जारी किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 26 अप्रैल को बिहार में सिर्फ 80,461 जाँच किए गए। उससे पहले यानी 25 अप्रैल को 1,491 टेस्ट किए गए थे। यानी सरकार ने कोरोना टेस्ट की संख्या एक दिन में 20,000 कम कर दिया। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई के सरकारी दावों के बीच पटना के 14 निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन का बैकअप खत्म हो गया है। लाचार अस्पताल प्रबंधन मरीजों को जबरन डिस्चार्ज करने लगे हैं। सरकार के रवैये से नाराज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने सरकार को चेताया है कि अगर यही हाल रहा तो मौत का तांडव होगा। IMA कह रहा है कि प्रशासन की लापरवाही और मनमानी के कारण ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर रहे हैं। राजधानी पटना के 14 निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन का बैकअप खत्म हो गया है। पल्स हॉस्पिटल, समय हॉस्पिटल जैसे निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के परिजन को कह दिया गया है कि वे अपने पेशेंट को अस्पताल से ले जाएं। अस्पताल प्रबंधन बहुत कोशिश करके भी ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पाया है। ऐसे में उनके पास मरीजों को डिस्चार्ज करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बच गया है। बेकाबू कोरोना संक्रमण के पीछे बिहार में लॉकडाउन लगाने के विकल्प पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से मंथन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डिप्टी CM समेत राज्य के तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले से फीडबैक ले रहे हैं। सभी जिलों के SP और DM एक एक कर मुख्यमंत्री के साथ जुड़ रहे हैं और जिलों की ग्राउंड रियलिटी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके पहले सोमवार को भी एक हाई लेवल मीटिंग की थी और फिर से मुख्यमंत्री कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में मिले फीडबैक के बाद मुख्यमंत्री यह तय करेंगे कि आगे बिहार में किस तरह की सख्ती बरतने की जरूरत है। लगभग आधा दर्जन जिलों को छोड़कर बाकी जिलों के DM ने नाइट कर्फ्यू को प्रभावी बताया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल लॉकडाउन को लेकर जिला के स्तर से कोई स्पष्ट फीडबैक मुख्यमंत्री को नहीं मिल पाया है। माना जा रहा है कि जिला प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा है कि राज्य सरकार लॉकडाउन पर क्या फैसला लेती है। बिहार में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। इसे देखते हुए सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है। लोगों को इस गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की जा रही है। कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए लोगों को 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की बात कही जा रही है, लेकिन औरंगाबाद में सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसे देखने वाला तक कोई नहीं है। औरंगाबाद सदर अस्पताल की जो तस्वीरें सामने आई है उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इन तस्वीरों को देखने से लगता है कि शायद इन्हें कोरोना का डर नहीं है। दरअसल औरंगाबाद पुलिस लाइन में सिपाही भर्ती के लिए आयोजित दौड़ में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मेडिकल के लिए कोरोना की जांच कराने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद सभी महिला व पुलिस अभ्यर्थी सदर अस्पताल पहुंचे और कोरोना की जांच के लिए कतार में लग गए। जांच केंद्र पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा है। जांच केंद्र के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर सिपाही अभ्यर्थियों की भीड़ ऐसी लग गई है कि इस दौरान धक्का मुक्की की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सिपाही बहाली के दूसरे जिलों से आए अभ्यर्थियों ने सरकारी व्यवस्था को आड़े हाथों लेते हुए अपनी जमकर भड़ास निकाली है। अभ्यर्थियों ने भी माना है कि यहां कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। कोरोना जांच की व्यवस्था पुलिस केंद्र पर ही करनी चाहिए थी। अभ्यर्थियों की भीड़ ऐसी है कि जो कोरोना निगेटिव होगा वह भी पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे में कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा भी बढ़ सकता है। बिहार में कोरोना काल में वेतन के लिए संघर्ष कर रहे नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार ने वेतन भुगतान के लिए राशि जारी कर दी है। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों को जनवरी माह में वेतन नहीं मिला है, जबकि स्थायी शिक्षकों को वेतन समय से दिया जा रहा है, जिसे लेकर नियोजित शिक्षक लगातार वेतन भुगतान की मांग कर रहे थे। बिहार शिक्षा विभाग के उप सचिव की ओर से वित्त विभाग के महालेखाकार को पत्र लिखकर माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्षों को वेतन भुगतान के लिए 20,43,97,94,828 रुपये विमुक्त करने और इसे व्यय की स्वीकृति को लेकर मंजूरी मांगी है। कोरोना की दूसरी लहर से बिहार में स्थिति भयावह हो गई है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, वहीं कई मरीजों की जाने भी जा रही है। कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था बेहटा के एसिक में भी की गई है। पटना के बेहटा स्थित एसिक अस्पताल का जायजा जाप प्रमुख पप्पू यादव ने किया। पप्पू यादव ने अस्पताल की बदहाल स्थिति पर चिंता जताई है। एसिक अस्पताल की परिस्थितियों को दिखाते हुए पप्पू यादव ने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। पप्पू यादव ट्विटर पर लिखते हैं कि पटना के बेहटा स्थित एसिक अस्पताल 600 बेड का है। यह मेडिकल कॉलेज विशेष कोविड अस्पताल है। जाप प्रमुख पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि इसे भूत बंगला कहना ज्यादा बेहतर होगा। बीजेपी के बिहार के सारे दिग्गज नेता पीएम और गृह मंत्री से बात कर इसे शुरू करवाने का श्रेय लेते हैं, लेकिन यहां न डॉक्टर है ना ही कोई व्यवस्था। यह अस्पताल पहले DRDO के जरिए संचालित हो रहा था, अब आर्मी टेक ओवर कर रही है। कोरोना महामारी का सामना कर रहे बिहार के लिए एक अच्छी खबर है। कोरोना संक्रमितों के लिए उपयोगी रेमडेसिविर इंजेक्शन का 14,000 वायल सोमवार देर रात बिहार पहुंचा। केंद्र सरकार ने बिहार को 24,604 रेमडेसिविर इंजेक्शन वायल की भी मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष विमान से रेमडेसिविर लाने का निर्देश दिया था। इसी के तहत से सोमवार को अहमदाबाद से रेमडेसिविर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा। राज्य के ड्रग कंट्रोलर और पटना के सिविल सर्जन की देखरेख में सभी को रेमडेसिविर इंजेक्शन बिहार के 6 डिस्ट्रीब्यूटरों को सौंपा गया है। बिहार में ऑक्सीजन की भारी किल्लत से तड़प तड़प कर लोगों के मरने के बाद भी सरकार की जुबान बंद है, मुख्यमंत्री खामोश है। आज सुशील मोदी ने गुहार लगाई है कि बिहार को भी ऑक्सीजन का क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध करा दे। सुशील मोदी ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। सुशील मोदी ने ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार को ऑक्सीजन परिवहन की जरूरतों को देखते हुए बिहार को भी कुछ क्रायोजेनिक टैंकर शीघ्र उपलब्ध कराना चाहिए। सुशील मोदी ने लिखा है कि देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियां सामने आई है। ऑक्सीजन प्लांट से अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ITC ग्रुप 20 मेट्रिक टन की क्षमता वाले 20 क्रायोजेनिक टैंकर सिंगापुर से मंगा रहे हैं। टाटा समूह भी 2 दर्जन क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध करा रहा है। सुशील मोदी ने बिहार के लिए भी कुछ टैंकर मांगे हैं।
पप्पू यादव ने कहा कि मौत का आंकड़ा छुपा रही है नीतीश सरकार, पटना में ही जल रही है 100 चिताएं। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के मामले प्रदेश के सभी जिले में दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी बीच जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव बिहार सरकार पर कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा छुपाने का आरोप लगाया है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में प्रतिदिन कोरोना से सैकड़ों मौतें हो रही है, बिहार सरकार मौत के आंकड़े को छुपा रही है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि बिहार के अस्पतालों में जल्लाद और स्वास्थ्य विभाग में किलर बैठे हुए हैं। इन सबका एकमात्र उद्देश्य मरीजों को मारना है। इन अस्पतालों ने मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया है। अधिकतर निजी अस्पताल बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के चल रहे हैं। अगर सरकार बिहार में कोरोना को लहर को तोड़ना चाहती है तो कोविड अस्पतालों को सेना के हवाले कर देना चाहिए। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।